अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अली मैथ्स ऑनलाइन और आज आप लोग अली मौजूम के साथ स्टडी करने वाले हैं हमारे पास चैप्टर 9 का फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है मैट्रिक्स एंड इंटरमीडिएट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने एज पर पहले देखा हुआ कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की, टाइप्स क्या है, फिर हमने उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देखी, उन प्रॉपर्टीज की फिर हम लोगों ने देखी एग्जाम्पल जो कि हमारे पास 1.2 की एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज के साथ वो फुलफिल होगा। तो आप लोग उसको बड़े से तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में से एक क्वेश्चन जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्टली एग्जामिनर जो है उसको चूज कर लेता है और ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम में हमारे पास कम से कम एक क्वेश्चन जिसमें से आ जाता है और ये बहुत ही ईजी है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 1.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ए, इन्होंने मैट्रिसेस पुट किए हुए हैं, इनके आप लोगों ने क्या करने हैं, नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। और नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने क्या करने हैं, इसके साइन चेंज करने हैं। जस्ट ओनली हमने इसके साइन चेंज करने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसका नेगेटिव मैट्रिसेस आ जाएगा। तो आपने माइनस ए फाइंड करना है तो ये आप लोगों के पास माइनस ए, साइन चेंज करेंगे हमारे पास प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन, जीरो जो है वो साइन ले सकता है, इसका कोई भी साइन नहीं होता और माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन। सेम जब बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी, साइन चेंज करेंगे माइनस थ्री, माइनस टू, वन और ये क्या आ जाएगा माइनस वन। इसी तरह से हम लोग सी की वैल्यू फाइंड करेंगे आ जाएगा माइनस सी विच इज इक्वल टू, साइन चेंज करेंगे माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस सिक्स एंड माइनस टू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जिसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस डी विच इज इक्वल टू, ये थ्री आ जाएगा, ये फोर आ जाएगा, माइनस टू, माइनस फाइव, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस डी आ जाएगा। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, e के साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि माइनस वन है, माइनस टू है, फाइव हो जाएगा और माइनस थ्री हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज, हमने करने है गिवन मैट्रिक्स से करने है ट्रांसपोज फाइंड। ट्रांसपोज के मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था आप लोगों को कि ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, बेसिकली किसी भी रो को अगर हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, किसी कॉलम को रो की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम को अगर हम लोग रो की फॉर्म में लिख देंगे तो हम उसको लिखेंगे ए ऑफ ट्रांसपोज और ये हमारे पास आ जाएगा जीरो, वन एंड माइनस टू। इसी तरह से अगर बी के ट्रांसपोज की बात करेंगे तो बी ट्रांसपोज ये हमारे पास रो है, इसका हम लोग बना देंगे कॉलम तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव, वन, माइनस सिक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जिसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं सी का ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो सी के ट्रांसपोज में ये हमारे पास रो है, इस रो को हम लोग बना देंगे कॉलम, ये वन टू आ जाएगा। इसी तरह से इस रो को बना देंगे कॉलम, ये आ जाएगा टू माइनस वन और इसको बनाएंगे कॉलम तो ये आ जाएगा थ्री जीरो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सी का ट्रांसपोज। डी का ट्रांसपोज देखेंगे तो डी का ट्रांसपोज हमारे पास सेम, ये वाली रो हमारे पास बन जाएगी कॉलम, ये वाली रो हमारे पास बन जाएगी कॉलम, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा जिसका ट्रांसपोज होगा। इसी तरह से ई के ट्रांसपोज की बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, माइनस फोर और ये आ जाएगा फाइव, ठीक है जी, तो ये हमारे पास आएगा इसका ट्रांसपोज। इसी तरह से हम लोग एफ की बात करेंगे तो एफ का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा, ये वही रो बन जाएगी कॉलम, ये वही रो भी क्या बन जाएगी हमारे पास कॉलम बन जाएगी, तो जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास वो क्या होगा जिसका ट्रांसपोज हो गया। ओके, उसके बाद ये फंडामेंटल प्रूफ है, मींस ये जनरल प्रूफ भी है, ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज लेंगे दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए और हमने करना है इसको प्रूफ, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज। ओके जी, ए ट्रांसपोज लेंगे तो ए का हम लोग लेते हैं ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 1, 2, 0, 1, तो ये वाली जो रो है ये हमारे पास बन जाएगी कॉलम और ये वाली रो हमारे पास बन जाएगी कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक ट्रांसपोज, हमने लेना है उसका अगेन ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कर लेंगे ट्रांसपोज, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1, 0 एंड 2, 1 विच इज इक्वल टू ए, तो ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज हमने लिया तो हमारे पास क्या आ गया जी ए आ गया। सिमिलरली आप लोग करेंगे बी ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज आप उसका लेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा दोबारा से बी मैट्रिक्स आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो कि इंतहाई इजी है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, मोस्टली जो है ये क्वेश्चन जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जामिनर उसको चूज कर लेता है और ये आपके सामने होता है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो शायद उस दिन आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके चेहरे पे आएगी मुस्कान कि अच्छा जी सर ने ये काम भी करवाया था, तो ये तो हमें डायरेक्टली आ गया है पेपर में।
तो होप सो आप लोग इसकी समझ आई होगी, और वैसे भी इसमें इतनी मुश्किल चीज तो थी नहीं कि जो आप लोगों के लिए हो कॉम्प्लिकेटेड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।